नमस्कार, लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य आज आपके सामने संयुक्त रूप में A1, A2, A3 की बात करता हूँ। हालांकि A1 का पहले ही हम वर्णन कर चुके हैं। A2 और A3 ये दोनों मेडिसिन हार्ट और ब्लड की हैं। A2 ये अशुद्ध रक्त पर काम करता है, यानी हार्ट के राइट साइड में काम करता है और A1 हार्ट के लेफ्ट साइड में काम करता है। ये लेफ्ट और राइट का चक्कर है, इसलिए पहले हमें हार्ट के विषय में समझ लेना चाहिए। ये हार्ट का फंक्शन क्या है और ये किस तरीके से कार्य करता है, जब हम इसे समझ लेंगे तो इस मेडिसिन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर होते हैं जिसे अलिंद या आर्टियम कहते हैं, 2 नीचे होते हैं जिन्हें निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। हालांकि सबका हार्ट एक जैसा नहीं बना होता है। मछली के हार्ट में केवल 2 ही चैम्बर होते हैं, वो पानी के अंदर रहती है। मेंढक के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद के, 1 निलय का। ये पानी और बाहर दोनों सतह पर रहता है। लेकिन मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और ये चैम्बर, हर चैम्बर अपना एक विशेष महत्व रखता है। पहले हम बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड में हार्ट शरीर के तमाम भागों से अशुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ऐसा रक्त खींच करके वो अलिंद में लाता है, जिसे कि आर्टियम कहते हैं। और आरटीएम से वो रक्त नीचे निलय में आता, वेंट्रिकल में आता। और वेंट्रिकल क्या करता है, एक धक से मारता है और उसको फेफड़े में पहुंचा देता। राइट साइड के हार्ट का फंक्शन यही समाप्त हो जाता है। अब आता है लेफ्ट साइड का फंक्शन। जो राइट साइड के वेंट्रिकल ने हार्ट में, हार्ट से फेफड़े में खून पहुंचाया था, वो खून शुद्ध हो करके राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट अलिंद में आ जाता है और वहां से वो रक्त वेंट्रिकल में आता है, निलय में आता है और निलय उसको पंप करके
फिर पुनः पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। इस तरीके से ब्लड का सर्किल पूरा हो जाता है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, ये शरीर के तमाम भागों से रक्त ले करके नील अलिंद निलय को देता है और निलय उसको फेफड़े को देता है। फेफड़ा खून शुद्ध करके बाएं साइड के अलिंद को देता है, अलिंद निलय को देता है और निलय उसको पंप करके शरीर के पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। यानी देखा जाए तो तीन भाग चार भाग होते हैं। महाशिरा से खून अलिंद में आता है, अलिंद से निलय में जाता है और निलय से वो फेफड़े में जाता है। उसके बाद में फेफड़े से वो खून महाधमनी में आता है और महाधमनी से वो अलिंद में आता है, अलिंद से निलय में आता है और फिर वो बॉडी में चला जाता है। इस तरीके से एक सर्किल ब्लड का पूरा हो जाता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है, हार्ट के जो मांसपेशियां होती हैं उसमें एक विशेष बनावट होती है। जो दाहिनी साइड का वेंट्रिकल या निलय होता है उसको केवल फेफड़े तक ब्लड को पहुंचाना होता है, इसलिए उसकी मांसपेशियां बाईं साइड की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं, क्योंकि उसको फेफड़े तक ही पहुंचाना होता है, यानी वो पंप कम करता है, केवल फेफड़े तक पहुंचाना। लेकिन लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल की जो पेशी होती है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसको पंप करके पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाना होता है। यहाँ और एक चीज़ ध्यान देने की है, हमारे शरीर में जो हार्ट है वो हार्ट एक मिनट में 72 बार लप डप करता है, इन धड़कता है, और जब वो झड़कता है तो हर बार खून को बाहर फेंकता है फेफड़े में। जब ये बाहर खून फेंकता है तो हर धड़कन पे ये लगभग 70 ग्राम खून फेंकता है और 72 बार ये धड़कता है एक मिनट में। तो 70 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 5040। इन्हीं 5040 ml ये एक मिनट में खून बाहर फेंकता है। दूसरी भाषा में कहे तो 5 लीटर 40 ml ये एक मिनट में खून को अपने से बाहर कर देता है, यानी पंप करके बॉडी में फेंक देता है। और इसमें जो
इसका वेट होता है ये लगभग 300 ग्राम होता है। अब ये सोचने की बात है कि 300 ग्राम का हार्ट 5 लीटर खून को 1 मिनट में बाहर फेंकता है तो किस कदर से धड़कता है, किस कदर से खून फेंकता है। जाहिर है कि हार्ट बहुत रेगुलर होता है, ये सोते जागते हर समय अपना काम करता रहता है और यदि ये काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी को खून नहीं पहुंचेगा, बॉडी में कहीं भी खून नहीं जा सकता यदि हार्ट स्ट्राइक कर दे। तो सवाल इस बात का उठता है कि ये हार्ट को ताकत कहां से मिलती है, ये हार्ट धड़कता कहां से। देखिए हम जो भोजन करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के आयंस आवेश होते हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब हम भोजन में के रूप में लेते हैं और इसमें आयंस होते हैं। ये हमारे शरीर में हार्ट के अंदर एक भाग होता है जो हार्ट के दाहिनी साइड में लगा होता है। इसको कहते हैं SA नोड। ये इंपल्स बनाता है, करंट बनाता है और इसी से हार्ट धड़कता है। यदि करंट बनाना बंद कर दे तो हार्ट नहीं धड़केगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये करंट बनाना बंद कर देता है, फिर क्या होता है, आदमी बेहोश हो जाता है, गिर जाता है और फिर उसे तुरंत ही आर्टिफिशियल SA लगाना पड़ता है, तब हार्ट काम करता है। इस तरीके से हार्ट में SA नोड का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हार्ट हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, तो उसकी मेडिसिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो A1 है वो शुद्ध रक्त पे काम करता है, तो हार्ट के किस भाग पर ये काम करता है, शुद्ध रक्त हार्ट के बाएं भाग में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए इसका काम हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है। और A2 आर्टरी पर काम करता है, यानी हार्ट के उस भाग पे काम करता है जहाँ अशुद्ध रक्त होता है। इन ये हार्ट के दाहिने भाग पे काम करता है
अब यहाँ एक बात समझ लेने की है, क्या A1 और A2 केवल हार्ट की मेडिसिन है? नहीं, ये फेफड़े की भी मेडिसिन है, क्योंकि ब्लड हार्ट से निकलकर फेफड़े में जाता है। इसलिए A2 का कार्य क्षेत्र फेफड़ा भी है और A1 का कार्य क्षेत्र संपूर्ण शरीर है, जहां जहां पर ब्लड जाता है। और A2 का कार्य क्षेत्र वहां वहां है जहां जहां से रक्त आर्टरी, रक्त वेन लाती है। इस तरीके से A1 और A2 का क्षेत्र संपूर्ण शरीर है, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इसका कार्य क्षेत्र न हो। क्यों? क्योंकि आर्टरी और वेन शरीर के अंतिम छोर तक जाती हैं और लास्ट सिरे पर आर्टरी वेन में तब्दील हो जाती है। यानी A2 और A1 शरीर के प्रत्येक भाग पर अपना महत्व रखती है। अब आते हैं A3 पर। A3 हार्ट की मेडिसिन है, ये हार्ट की बनावट, हार्ट के ब्लड आदि अनेक चीजों पर इसका प्रभाव होता है। हार्ट के ऊपर 3 लेयर होती हैं, इन लेयर पर भी A3 का प्रभाव होता है। ये कौन कौन सी लेयर होती हैं? जो सबसे बाहर होती है वो लेयर कहलाती है इपिकार्डियम, और जो बीच में होती है वो इंडोकार्डियम, और जो सबसे अंत में होती है वो सबसे ऊपर पेरिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम और सबसे अंत में अंदर इंडोकार्डियम। इनका काम क्या होता है? हृदय को बाहरी आघातों से बचाना। कभी कभी इंडोकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाता है, हार्ट में बहुत दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में A3 का प्रयोग करके देखना चाहिए। कभी कभी पेरिकार्डियम में सूजन हो जाती है, A3 का प्रयोग करके देखना चाहिए। इसमें जो मेडिसिन है ए ग्रुप में, वो भी अपना विशेष महत्व रखती हैं। इसमें एक मसल की मेडिसिन पड़ी हुई है जो कहीं पर किसी तरीके का चोट लगने पर जहाँ चीज़ कुचल जाती है
वहाँ पर इसका रोल बहुत अच्छा है। जहाँ पर आरटी और वेन रैप्चर होती हैं, जैसे किसी चीज़ में कोई उंगली कुचल जाए तो वहाँ पर ब्लड नहीं निकला लेकिन चोट लग गई, क्या हुआ वहाँ पर, आरटी और वेन ये दोनों दबी थी तो उसमें कष्ट हुआ। उसको ठीक करने के लिए आर्निका मोंटाना इसमें पड़ा हुआ है, ये A1 और A2 दोनों मेडिसिन में है, नहीं A1 और A3 दोनों मेडिसिन में पड़ी हुई है। क्यों? A1 आर्टरी की मेडिसिन है और A3 ब्लड की मेडिसिन है। जब कहीं कोई चीज़ कुचलेगी दबेगी तो आर्टरी से ब्लड निकलेगा और उसको जो सुपरफिशियल एरिया है उसमें जब आएगा तो वहाँ पर साइनोसिस डेवलप करेगा और उसको ठीक करने के लिए आर्निका बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी मेडिसिन है इसी के साथ में अवेना सटाइवा। देखिए कोई भी आर्टरी या वेन तब काम करती है जब उसके साथ में नर्वस सिस्टम लगा हो, तो उसको ताकत देने के लिए अवेना सटाइवा होता है। हम लाख अपने ब्लड को मजबूत कर लें, ठीक कर लें, यदि नर्वस सिस्टम हमारा मजबूत नहीं है तो हमारा अंग ठीक काम नहीं करेगा। दूसरा कैप्सिला बर्सा पास्टोरिस, ये केवल A1 में पड़ा हुआ है। एक साल्विया ऑफिसिनेलिस होता है, ये तीनों मेडिसिन में पड़ा हुआ है, A1, A2, A3 बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। सिग्नोरिया कनाडेंसिस, ये भी तीनों मेडिसिन में पड़ा हुआ है और ये विभिन्न प्रकार के दर्दों में राहत दिलाता है। हाइड्रास्टिस कनाडेंसिस, ये भी दर्द और इन्फेक्शन पर काम करता है। हमारे ब्लड में तमाम तरीके के इन्फेक्शन्स हो जाते हैं, फॉरेन बॉडी आ जाती हैं, उनको दूर करने के लिए हाइड्रास्टिस कनाडेंसिस अच्छा काम करता है। एस्कुलस हेपुकास्टानम, ये वेन पर बहुत अच्छा है इसका रोल। पाइल्स में गांठें बन जाती हैं, शिराओं के शिरे फूल जाते हैं, एंड फूल जाते हैं, उसमें एस्कुलस हेपुकास्टानम बहुत बढ़िया काम करता है। ये पाइल्स में होता है और भी तमाम सी जगह पर शिरों के एंड फूल जाते हैं, वहाँ पर भी इसका रोल है। हेमामलिस, ये भी A2 में काम करती है, ये रक्त को जमाने में, रक्त को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। इचिनेशिया,
इचीलिया मिलीफोलियम, ये रक्त का थक्का बनाने में अच्छा काम करती है, क्योंकि जब रक्त निकलता है तो मोस्टली छोटी इंजरी में जो जख्म होता है, ब्लीडिंग होती है, वो 3 मिनट में बंद हो जाती है। लेकिन यदि बड़ी इंजरी है, जल्दी से नहीं बंद होता है, तो इचीलिया मिलीफोलियम उसमें बहुत अच्छा रोल करता है। इचीलिया मिलीफोलियम, कैप्सुला बर्सा पास्टोरिस, ये दोनों मेडिसिन ब्लड रोकने के लिए अच्छा है। हेमामेलिस भी है। पल्सेटीला, ये भी ब्लड रोकने के लिए, दर्द के लिए अच्छा रोल अदा करती है। आर्टिमिशिया ब्रोटेनम भी है। इस तरीके से इसमें बड़ी महत्वपूर्ण मेडिसिन पड़ी हुई हैं, और इन मेडिसिन्स का कार्य क्षेत्र भी बड़ा है। देखिए, हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तमाम रोग ऐसे होते हैं जो रक्त की कारण होते हैं, जिनका मुख्य कारण रक्त ही होता है। देखिए, हमारे शरीर में जो पोषण देने का काम करता है वो रक्त होता है। यदि रक्त में अशुद्धियां आ जाएं तो रक्त पोषण देने का सही काम नहीं कर पाता। जैसे उदाहरण के लिए डायबिटीज हो जाए तो उसमें रक्त ही दूषित होता है, ब्लड में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, और वो मात्रा विभिन्न प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न करती है। आप सभी जानते हैं कि रक्त के, डायबिटीज़ के कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हार्ट खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, कट लगते हैं वो पकते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, तमाम तरीके के रोग होते हैं जो मात्र शुगर के ब्लड में बढ़ जाने से होता है। और तमाम चीज़ें होती हैं जो ब्लड में बढ़ या घट जाती हैं, उसके कारण ब्लड दूषित हो जाता है। तो एक ग्रुप की मेडिसिन हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। जब हमारा रक्त दूषित होता है, यानी इसमें इसका जो नेचुरल कंपोजिशन है वो बिगड़ने लगता है, तो ये ग्रुप की मेडिसिन उसमें अच्छा काम करती है। और बहुत सारे सिम्टम इससे समाप्त होते हैं। हाँ, आवश्यकता इस बात की होती है कि जो रोग डेवलप हो रहा हो उसकी संबंधित मेडिसिन लगा करके एक ग्रुप की मेडिसिन लगाई जाए। देखिए, ए ग्रुप को पी ग्रुप में भी डाला गया है। इसमें जो P3 है उसमें A3 को डाला गया है। यहाँ एक विशेष बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पी ग्रुप का A3 का जो कंपोजिशन है उसमें A3 मेडिसिन पड़ी हुई है। लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, एक प्लांट समझ लेते हैं। इसमें पूरी A3 पड़ी हुई है, और A3 में कितने पौधे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पौधे हैं।
यानी पी ग्रुप में जो मेडिसिन है उसके अतिरिक्त ए थ्री के सारे पौधे पड़ते हैं पड़े हैं। जो मेडिसिन बनाने वाले लोग हैं अक्सर ये गलती कर जाते हैं। वो उसको ध्यान में नहीं ले पाते, अक्सर ये गलती कर जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारा हार्ट का एक प्रेशर होता है, उसी प्रेशर से ये ब्लड को पंप करता है। ये प्रेशर कभी घट जाता है और कभी बढ़ जाता है। नॉर्मल जो प्रेशर है उससे जब घटेगा तब भी दिक्कत होती है और जब बढ़ेगा तब भी दिक्कत होती है। वैसे तो हार्ट प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं और ये ब्लड प्रेशर कई बातों पर निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एक जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए हम केवल हार्ट की बात करेंगे कि ये कैसे प्रेशर बढ़ता है और कैसे घटता है। हार्ट जब पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो बड़ी मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है। यदि इस वाल में कोई परेशानी आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये मसल कमज़ोर हो जाए तो वो ठीक से पंप नहीं कर पाएगी, लिहाजा प्रेशर कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरीके से जो वाल्व लगे होते हैं इसमें, लेफ्ट साइड में एक बल्ब लगा होता है उसे कहते हैं बाइक का स्पीड वाल्व, और जो राइट साइड में बल्ब होता है उसे ट्राइक का स्पीड बल्ब कहते हैं। यदि इन बल्ब में कोई दिक्कत आ जाए और ये सही ढंग से बंद न हो तब भी प्रेशर में दिक्कत आ जाएगी। ये हार्ट की अपनी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये कि जो मोटे ताजे लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो आर्टरी होती हैं, जो धमनियां होती हैं, जो शिराएं होती हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा फैट चिपक जाती है, उनकी दीवारों में फैट चिपक कर उसे सकरा बना देती है। जब सकरा बना देंगे तो हार्ट से जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर तो अपना होगा लेकिन जो नली के अंदर प्रेशर बनेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे किसी पतले पाइप से आप फूकें तो पाइप के सिरे पर हवा तेजी से निकलेगी, उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। यदि मोटे पाइप से आप फूकें तो उसमें प्रेशर कम होगा। बिल्कुल यही बात है। हार्ट का जो नॉर्मल साइज है, सॉरी वेन का जो नॉर्मल साइज है, मोटेपन का पतलेपन का, उस साइज पे जो प्रेशर बनेगा
यदि उससे पतली हो जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो वो प्रेशर कहाँ जाएगा, कहाँ पर पड़ेगा? वो उस आर्गन पर पड़ेगा जिस आर्गन को वो ब्लड सप्लाई कर रहा। मान लीजिए आपका हार्ट पंप किया और जो ब्रेन को आर्टरी सप्लाई कर रही है वो पतली है, तो ब्रेन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, सरदर्द हो जाएगा। किडनी में जो सप्लाई कर रहा है वहाँ पर जो प्रेशर पड़ेगा वो किडनी को ख़राब करेगा। हार्ट के ऊपर जो सप्लाई कर रहा है, हार्ट का ही प्रेशर हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा। ये तो भी कम पतली, जो पतली नलियां हो जाती हैं फैट के कारण, वो पतली हो जाती हैं उसके कारण प्रॉब्लम। कभी कभी ये नलियां सकरी हो जाती, सॉरी चौड़ी हो जाती। इनकी जो नलियों की पेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं। जब ढीली हो जाती हैं तो ये चौड़ी हो जाती हैं, तो जो प्रेशर हार्ट बनाता है वो नलियों में नहीं बन पाता, लिहाजा उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा तो जिस मात्रा में जिस अंग को रक्त जाना है उस मात्रा में रक्त नहीं जाएगा, तो क्या होगा? सुस्ती आएगी और तमाम तरीके की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। फिर उसके लिए आपको कुछ लेना पड़ेगा। इस तरीके से हार्ट एक ऐसी चीज है जिसका साइज, जिसकी आर्टरी की साइज, जिसकी वेन की साइज सब नॉर्मल होगा तो वो फिट रहेगा, और यदि नॉर्मल नहीं रहेगा तो फिट नहीं रहेगा। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक नहर में पानी बह रहा हो और उस पर कोई घास फूस नहीं है, नई नहर बनी हुई है, तो पानी छोड़ा गया और टेल तक पानी पहुंच जाएगा बिना रोक ठोक के, ठीक प्रेशर में पहुंचेगा। और यदि वो 10-15 साल की हो गई, उसमें जगह जगह पर रोड़े बन गए, घास उगाई और तमाम चीज़ें हो गई, फिर उस प्रेशर से टेल तक पानी नहीं जाएगा। बिल्कुल यही बात होती है शरीर के अंदर। हम जब खाते पीते हैं तो उसमें तमाम ऐसी चीज़ें खा जाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, और वो हमारे ब्लड में रुकने लगती हैं, आर्टरी और वेन में जमने लगती हैं। आपने देखा होगा कि एक छोटे बच्चे का हार्ट काफ़ी तेज़ धड़कता है, क्यों? क्योंकि वो नवजात है, नया है, उसके अंदर की जो धमनियां हैं, जो शिराएं हैं, वो बिल्कुल फिट हैं, हार्ट बिल्कुल फिट है, क्योंकि अभी उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। लेकिन जब वो बड़ा होने लगेगा तो तमाम चीज़ें वो खाने लगेगा, तो उसकी जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, वो सब सकरी होने लगेंगी या चौड़ी होने लगेंगी, फिर उसमें प्रेशर कम हो जाता है। या
ज्यादा हो जाता है, धड़कन भी कम हो जाती। आपने देखा होगा व्यक्ति की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आर्टरियों में वो सारी किलाजत लगी जाती है, वो सारी गंदगी उसमें लग जाती है जो आर्टरी को संकरा करती रहती है। तो सवाल इस बात का है कि इस ब्लड प्रेशर को ठीक कैसे किया जाए। देखिए, ए ग्रुप की जो मेडिसिन है A1, A2, A3, इन्हीं से ब्लड प्रेशर सही किया जा सकता है। ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, इसमें कोई फार्मूला नहीं बताया जा सकता। इनके डाइल्यूशन देने से कहीं पर वो ब्लड प्रेशर को डाउन कर देंगे, कहीं पर वो ब्लड प्रेशर को हाई कर देंगे। ये आपके लंबी प्रैक्टिस पर ये निर्भर करता है। आज तो ज़माना ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति फार्मूला पूछता है, फार्मूले हमें मिल जाए। दूसरे के फार्मूले से कभी कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। फार्मूले अपने बनाए जाते हैं और अपने फार्मूले तब बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। दुनिया में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो किसी बुक के फार्मूलों से आगे बढ़ा हो। उसके अपने फार्मूले होते हैं, गाइडलाइन जरूर मिलती है, लेकिन अपने फार्मूलों से वो आगे बढ़ सकता है, बुक के फार्मूलों से नहीं बढ़ सकता। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति पूछता है फार्मूले बताओ। मेरे विचार से जब लंबी प्रैक्टिस होगी तो आपके अपने फार्मूले होंगे और वही आपके काम में आएंगे, वही आपको याद रहेंगे। गाइड देने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। जब आपकी अच्छी स्टडी होगी तो आपके अपने फार्मूले बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।